इस वक्त की बड़ी जानकारी देते हैं रायपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वाभिमान और गर्व के लिए दौड़ेगा छत्तीसगढ़। रायपुर में हो रहा है रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। रायपुर के भगत सिंह चौक से शुरू होगी दौड़। आप देखिए तस्वीरों में कि वहां की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वाभिमान और गर्व के लिए दौड़ेगा छत्तीसगढ़। रायपुर में हो रहा है रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन। देखिए थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ दौड़ेगा। बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है। तो इसकी शुरुआत रन फॉर सीजी प्राइड को लेकर हो रही है। बता दें रन फॉर सीजी प्राइड की शुरुआत रायपुर में गांधी उद्यान से होगी। बता दें कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना भी करेंगे। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ कुछ ही देर में दौड़ेगा। रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हो रहा है। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू होगी। बता दें इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी जारी होगा। बता दें इसमें छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए हजारों प्रतिभागी 5 किलोमीटर की दौड़ भी लगाएंगे। तो इस प्रतियोगिता में 2 वर्गों में बांटा भी गया है, जिसमें हजारों के इनाम भी रखे गए हैं। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू होगी। बता दें रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम हरी झंडी भी दिखाएंगे। रायपुर में हो रहा है रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन, जहां स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ दौड़ेगा। कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम सब दौड़ में शामिल हुए हैं, लेकिन एक ऐसा नौजवान हमारे बीच में है जिसे हम चित्रसेन साहू के नाम से जानते हैं, जो पर्वतारोही है और पैरा एथलेटिक्स है। दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी उसके उत्साह में, उसकी उमंग में कोई कमी नहीं है। और 3 महाद्वीप के उच्च शिखरों को वो पार कर चुके हैं और अभी उसके हौसले पस्त नहीं है, बल्कि और उसके उमंगें उड़ाने भर रही है। तो उसके उड़ान और भरे और रिकॉर्ड कायम करे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और सीएसआर मद से 12,60,000 की आवश्यकता है। उसे हम सब मिलके पूरा करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए सीजी रन फॉर सीजी प्राइड के लिए आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी सीएम भूपेश बघेल को सुना। बता दे रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की है। तो वहीं अभी लोगों से उन्होंने संवाद भी किया है। इस वक्त की अहम जानकारी रायपुर से है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एक तरह से बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भारी संख्या में वहां लोग भी मौजूद दिख रहे हैं, जो इस मैराथन में शामिल होने वाले हैं। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ भी शुरू होगी। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम हरी झंडी भी दिखाएंगे। रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे भारी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं और इस मैराथन में हिस्सा भी लेंगे। स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ दौड़ेगा। आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी इस मैराथन में शामिल है। बता दें दौड़ को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा भी गया है। इसमें पहले श्रेणी की दूरी 5 किलोमीटर की होगी, जिसमें महिला पुरुष की श्रेणी में भी है। बता दें इसमें 14 वर्ष से 60 साल तक के आयु वर्ग के लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए कम दौड़ का आयोजन किया गया है। तो वहीं जो युवा वर्ग है उसके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ दौड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें
इसमें छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए हजारों प्रतिभागी 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। तो वहीं इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा भी गया है, जिसमें हजारों के इनाम भी रखे गए हैं। बता दें, वरिष्ठ नागरिक और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक अलग श्रेणी भी बनाई गई है। इसमें 14 साल से कम और 60 साल से अधिक जो उम्र के लोग हैं उन वो भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर उनके लिए अलग तरह की तैयारी की गई है। रास्ता काफी छोटा रखा गया है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए रास्ता छोटा रखा गया है और जो युवा वर्ग है उनके लिए पूरे 5 किलोमीटर की दौड़ है, जिसमें प्रतिभागियों को इनाम भी दिया जाएगा। अलग अलग तरह के इनाम भी रखे गए हैं। बता दें, रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू होगी। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम ने हरी झंडी दिखा दी है। रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हो रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर रन फॉर सीजी प्राइड का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में जो लोग हैं वो मैराथन में हिस्सा लिया है और इस समय वो भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अलग तरह से भी कार्यक्रम को पूरा कवर करने की भी पूरी कोशिश की गई है। ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है, आप देख सकते हैं। हालांकि सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और सबने मैराथन में हिस्सा लिया है। स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ दौड़ा है। रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हुआ है। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू हुई है। बता दें, रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम ने हरी झंडी दिखा दी है और उसके बाद मैराथन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे पूरी कवरेज की गई है। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है पूरी कवरेज करने के लिए। तो वहीं इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी जारी है, लेकिन सबसे पहले रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हुआ है, जिसे सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को शुरू किया है। तो वहीं इस दौड़ को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। बच्चे बुजुर्गों को अलग श्रेणी में बांटा गया है, तो वहीं युवा वर्ग को अलग श्रेणी में बांटा गया है। बुजुर्गों के लिए कम किलोमीटर्स की दौड़ रखी गई है, तो वहीं युवा वर्ग के लिए ये 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। इसमें युवा, महिला, पुरुष सब शामिल हैं। और एक तरह से देखें तस्वीरों में लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसी भारी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। सिर्फ ये मैराथन की दौड़ ही नहीं, जो इनामी जो प्रतिभागी हैं उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तरह तरह के इनामों से प्रतिभागियों को नवाजा भी जाएगा। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू हो चुकी है। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। दौड़ को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। बता दें, इसमें पहले श्रेणी की दूरी 5 किलोमीटर की महिला पुरुष श्रेणी में है। तो वहीं इसमें 14 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। इस वर्ग के प्रतिभागियों के लिए जय स्तंभ चौक, कोतवाली चौक, पीडब्ल्यू चौक, मजार चौक, इनकम टैक्स कॉलोनी, तिराहा और शहीद भगत सिंह चौक को चेक पॉइंट भी बनाया गया है। बता दें, 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 3 साल पूरे हो रहे हैं, उसी के चलते अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन हुआ है, जिसे सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। आप तस्वीरों में भारी भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कि लोग भारी संख्या में वहां मौजूद हैं। बताएं, रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू हो गई है।
इस वक्त की बहुत खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मैराथन में काफी संख्या में लोग हिस्सा लेने पहुंचे हैं। वरिष्ठ नागरिक और 14 साल से कम उम्र के बच्चों की एक अलग श्रेणी भी बनाई गई है। बता दें इसमें 14 साल से कम और 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। इनके लिए रास्ता काफी छोटा रखा गया है। इनके लिए कलेक्टर चौक, राजभवन चौक के आगे आरडीए, इनकम टैक्स कॉलोनी तिराहा और शहीद भगत सिंह चौक को चेक पॉइंट बनाया गया है। इस वर्ग में प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये भी है। बता दें प्रतिभागियों के लिए इनाम भी रखे गए हैं। मैराथन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको भी इनामों से नवाजा जाएगा। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सर्दी का महीना है, लेकिन देखें कि कैसे लोगों में उत्साह है कि सुबह सुबह मैराथन में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंच गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोग काफी उत्साहित होकर इस मैराथन में भाग लिया है, तो वहीं इन्हें प्रतिभागियों को इनामों से भी नवाजा जाएगा। स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ इस समय दौड़ा है। आप देख सकते हैं कि कैसे भारी भीड़ लगी हुई है। रायपुर के भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू हो गई है। इस दौड़ को सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए हजारों प्रतिभागी 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया है, तो वहीं जिसमें हजारों इनाम भी रखे गए हैं। रन फॉर सीजी प्राइड की शुरुआत रायपुर में गांधी उद्यान से हुई। बता दें मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे सीएम भूपेश बघेल भी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे वो भी दौड़ लगा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हैं जहां खुद सीएम भूपेश बघेल ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है और वो प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस समय की ये लाइव तस्वीरें हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी मैराथन में हिस्सा लिया है। ममता गिर गई है, आप लोग दौड़ो, मत दौड़ो। स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम ने हरी झंडी दिखाई, हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया, तो वहीं खुद सीएम भूपेश बघेल भी इस मैराथन में शामिल हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई है। सुप्रिया, रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम ने हरी झंडी दिखा दी है और मैराथन को रवाना कर दिया है। देखिए लोगों की भारी संख्या से दिखाई दे रहा है कि लोग कितने उत्साहित है इस मैराथन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, इस उपलक्ष में यहाँ पर आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्रियों के साथ में दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे, और हम खुद भी अब मुख्यमंत्री से ही चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल के कामों को कैसे देखते हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। पहले तो हम मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बात कर लेते हैं। सर, छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हुए, कैसे देखते हैं इस 3 साल के कामों को? 3 साल सरकार के पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के अभिमान, यहाँ के हमारे पुरखों के जो सपना था उनको साकार करने के लिए और सबको सर हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का 3 साल पूरा हुआ है। सर, सीएम साहब, आज छत्तीसगढ़ सरकार को 3 साल पूरे हो गए, कैसे देखते? खूब बधाई, खूब शुभकामना, रन फॉर सीजी छत्तीसगढ़ प्राइड, ये सब दौड़ो। अरे अरे, तुम लोग तमाशा लगा लियो, चलो बंद करो। तो जैसा कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं
वो भी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं जैसा कि, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनमें भी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं जी, इस वजह से रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। देखिए सुप्रिया, इस क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, लेकिन शुरुआत इसकी रन फॉर सीजी प्राइड से की गई है। खुद सिर्फ लोग ही नहीं, मंत्री और खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम मंत्रियों ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। विधायक कुलदीप जी नजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौड़ लगाई, तमाम मंत्रियों ने दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 3 वर्ष पूरे होने पर सबसे पहले तो मैं सभी लोग को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रदेश के कार्यों को सराहा है और पूरे देश ने सराहा है। पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है, मुख्यमंत्री जी को प्रथम स्थान मिला है, मैं सबको बधाई देता हूं। और आज ये जो दौड़ का कार्यक्रम रखा गया है, ये बता रहे हैं कि प्रदेश में जो विकास हुआ है उसको बताने के लिए, पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने के लिए। सर, जैसा कि रन फॉर सीजी प्राइड यानी कि दौड़ लगाया जा रहा है, दौड़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को? दौड़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है, पूरे देश में अकेला प्रदेश है जो कोरोना में भी दौड़ा, सब में दौड़ रहा है, अभी भी दौड़ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है यानी कि छत्तीसगढ़ ने 3 सालों में विकास ही विकास किए हैं, तो इस वजह से रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप देख सकते हैं कि लगभग हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और किस तरीके से सभी प्रतिभागी लगातार यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं, सभी में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है कि देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र भी सुबह से ही पहुँचे हुए हैं और रन फॉर सीजी प्राइड के कार्यक्रम में सभी ने भाग लिया है और किस तरीके से ये छात्र दौड़ लगा रहे हैं आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र भी उपस्थित है। खुद मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है 3 साल में बहुत बेहतर काम किए हैं, गुजरात मॉडल से बेहतर छत्तीसगढ़ मॉडल अब दिखने लगा है, इस तरीके की बातें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। जी सुप्रिया, देखिए रायपुर के भगत सिंह चौक से दौड़ शुरू हो चुकी है, तो मैराथन के चेक पॉइंट कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी पूरी मैराथन? जी देखिए, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, ये रायपुर का भगत सिंह चौक है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र भी उपस्थित है। तो वहीं आपको यहाँ पर का भी नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित है, सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई, यानी कि ये उत्साह ही है जो कार्यकर्ताओं की है और तमाम जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनके उत्साह ही है जो इस तरीके से भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को 3 साल पूरे हुए हैं, तो इस वजह से रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर रहा है। इस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है। जी आप देख सकते हैं कि ये रायपुर के भगत सिंह चौक का नजारा है। सुप्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए भारी संख्या में वहाँ लोग मौजूद हैं और वहाँ से भगत सिंह चौक से ये दौड़ शुरू भी हो चुकी है। आप हमें जरा वहाँ की तस्वीर दिखाइए, इस समय वहाँ से कैसी तस्वीर आ रही है, क्योंकि लोग ने काफी उत्साहित होकर दौड़ में हिस्सा लिया है। जी देखिए, रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं कि हम भगत सिंह चौक में मौजूद है जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक कुलदीप जुनेजा यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम छात्रों के उत्साह की बात करें तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनमें भारी उत्साह है, तो हम काफ़ी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसा कि अपने स्पीच में ही कहा था कि छत्तीसगढ़ जो है विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और गुजरात मॉडल की तरह अब छत्तीसगढ़ मॉडल को भी जाना जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने स्पीच में जैसा कि कहा था कि हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए संकल्प लिया था, उसे पूरा किया है। जी जी सुप्रिया, देख रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ
आम जनता ही नहीं, खुद सीएम भूपेश बघेल और वहां मंत्री भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है सीजी प्राइड जो छत्तीसगढ़ में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया जा रहा है, हमारे से बात करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी इस तरीके का एक साथ चलो हो गया। रन फॉर सीजी प्राइड में हजारों लोग शामिल हुए, इसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लड़के, लड़कियां सब लोग इसमें शामिल हुए। और ये बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। 3 साल हमारे सरकार के पूरे हुए और सभी वर्गों के लिए जो हम लोगों ने कार्य योजना बना के उसे क्रियान्वित किया, विपरीत परिस्थितियों में जो काम किया है उससे हर छत्तीसगढ़िया अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारी एकता, हमारी एकजुटता, हम सब के बीच में आपसी समन्वय, भाईचारा के कारण से ही बड़ी से बड़ी चुनौतियां का हम लोग सामना कर पाए और छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। हमारे पुरखों के जो सपने थे उसे हम लोग साकार कर रहे हैं। सबको खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। चलिए मैडम। सबकी बड़ी खबर, जहां स्वाभिमान और गर्व के लिए दौड़ेगा छत्तीसगढ़ और दौड़ लगा रहा है। बता दें, रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया है। रन फॉर सीजी प्राइड को सीएम ने हरी झंडी दिखा दी है। बता दें, रायपुर से भगत सिंह चौक से दौड़ भी शुरू हो गई है। सबकी अहम जानकारी और बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहाँ स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए अभिमान की बात है कि लोग अब छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हैं मॉडल के तौर पे। ये सब भूल गए हैं तो गुजरात को, अब छत्तीसगढ़ को लोग उदाहरण देते हैं। एकदम पीछे छूट गए, लाइव है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर के भगत सिंह चौक से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सुप्रिया, देखिए आपके पीछे हम भारी भीड़ भी देख सकते हैं लोगों की, और लोगों में उतना ही उत्साह देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी खुशी के साथ इस मैराथन में हिस्सा लिया है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयोजन स्थल पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हो गए, हमारे साथ रायपुर के महापौर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के काम को? देखिए, छत्तीसगढ़ जो पिछले 3 साल में जो अपने आप में काम किया है, छत्तीसगढ़ में विपरीत परिस्थिति में भी, कोरोना पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद भी सरकार ने जो बेहतर स्थिति में काम किया, हर वर्गों के लिए काम किया, हर सेक्टर में काम किया। और दूसरी चीज, आज छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ों की सरकार है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड लोगों को लगता है। और इसलिए आज ये दौड़ भी आप देखेंगे तो सीजी प्राइड दौड़ आज लोगों का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के अभिमान की ये दौड़ है, तो सब लोग उसमें भी आज भाग लिए। और हमें बड़ा फख्र होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग अब गुजरात मॉडल को भूल गए हैं, अब लोग जाओ तो हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल का उदाहरण देते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तो इससे बड़ा प्राउड कुछ नहीं हो सकता। 2,80,00,000 का हमारा प्रदेश है, मगर अगर बात करेंगे मॉडल के तौर पर तो आज ये पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित छत्तीसगढ़ प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के 3 साल के विकास के कामों की बात करें तो सबसे ज्यादा विकसित जो काम है वो कौन सा रहा, सबसे ज्यादा चर्चा में कौन सा काम रहा?
देखिए अगर ऐसा बात करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा अगर जो चर्चा में रहा है वो हम किसानों को जो हमने जो उनको हमने धान खरीदी जो हम लोग करें 2500 रुपए में सबसे बड़ा, दूसरा हमने जो किसानों का जो हमने ऋण माफ़ किया, और दूसरा अगर हम बात करेंगे अगर जो सबसे ज़्यादा लोगों को अगर यहाँ पर वो किया है तो हम लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे मेडिकल वो चल रहे हैं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा टच किया है क्योंकि इसमें लोगों का जो फ्री में जो इलाज हो रहा है ये अपने आप में मेरे ख्याल से देश में ऐसा कहीं पर वो नहीं है कि लोग खुद जाके आपके पास हॉस्पिटल आपके घर आपके द्वार पे आ रहा है और आपको वहाँ दवाई भी दे रहा है और चेकअप कर रहा है। जैसे कि रन फॉर सीजी प्राइड, तो इस दौड़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्या संदेश छिपा है इसमें? नहीं, संदेश यही छुपा है कि छत्तीसगढ़ का अभिमान, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, और उसी के लिए ये दौड़ वो की गई है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल जो बेमिसाल जो उन्होंने गुजारा, हर सेक्टर में जो काम किया, उसी के लिए ये दौड़ आयोजित की गई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 साल में छत्तीसगढ़ सरकार के काम काफ़ी बेहतर हुए हैं, तो इस वजह से रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हम आयोजन स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर और भी काफ़ी अन्य लोग भी मौजूद हैं, तो जो और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। रन फॉर सीजी प्राइड में आए हैं, दौड़ लगाई आप लोगों ने, कैसा महसूस कर रहे हैं दौड़ लगाई? देखिए, आप जोश है लोगों में भूपेश बघेल के 3 साल के कार्यकाल में, और ये आप देख रहे हो नज़ारा, ये लोगों में जोश है, जोश के साथ लोग आए हैं और यह एक उदाहरण बन गया है लोगों के लिए। छत्तीसगढ़, लोग दूर दूर से अब यह छत्तीसगढ़ को देखने आ रहे हैं, यहाँ के जो 3 साल में जो काम किए हैं, जो 3 साल में जो काम हुआ है उसके विकास को देखने के लिए दूर दूर, और चर्चा चल रही है और ये इसमें जोश में देखे अब छोटे से बड़े लोग, आज ऐसा लग रहा है यह सुबह ठंड के टाइम 6 बजे आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, 6 बजे से 5:30 बजे से लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कितना उत्साह है, छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल को कैसे देखते हैं? मैडम, मेरा नाम अनीस है और मैं कॉमन मैन हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे कि इस ठंड में सुबह 6 बजे खुद हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब भी आए, महापौर जी आए हैं, और हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है, और इस भीड़ में लोग 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ये बहुत ही ब्राइट की बात है। और नो डाउट 3 साल जो हमारे रहे हैं छत्तीसगढ़ में वो एक बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी ये चेंजेस हुई है और हम चाहते हैं कि आगे भी ये सरकार बनी रहे और चीज़ें ऐसी चलती रहें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आगे भी यही सरकार बनी रहे, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के कामों से काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं। जी, तो वही देखिए आपके आसपास और भी बहुत लोग हैं, जरा उनसे पूछिए कि खुद तो उन्होंने इस मैराथन में सीजी रन फॉर सीजी प्राइड में हिस्सा लिया ही है, साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने खुद शिरकत की है इस प्राइड में, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, हम काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने रन फॉर सीजी प्राइड में हिस्सा लिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद भी सुबह 6 बजे से आकर के आप लोगों का उत्साह वर्धन किया, कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ ने जिस मुकाम पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को पहुँचाया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने, वो अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये 15 साल की जो सरकार थी, पिछली सरकार थी, उनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो आम शहरी लोगों के मामले में, हर मामले में एक नए मापदंड तय किए गए हैं, नए तरीके से काम करने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने बनाया था चुनाव के पहले, जिसके आधार पर चुनाव लड़ने की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उस घोषणा पत्र के लगभग 80% काम हम लोगों ने पिछले 3 साल में कंप्लीट कर दिया, आने वाले 2 साल बचे हैं, बचे हुए काम को भी हम सब पूरा करेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। और कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व में आम जनता, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग खुश। और क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार अपने एक एजेंडे पे काम कर रही है, और पहले 3 साल का जो टारगेट था, उन 3 साल के अंदर में जो प्रायोरिटी के काम थे, चाहे किसानों का मामला था, मजदूरों का मामला था, बिजली बिल का मामला था, जमीन के मामले थे जिसको रुकावट लगा के पिछली सरकारों ने रखा था, उन सब मामलों को लगभग ऐसे जो रोजमर्रा के काम जो आम जनता से जुड़े मामले थे, उन सब मामलों को कम्प्लीट किया गया है। अब आने वाले 2 साल में जो डेवलपमेंट के जो काम बचे हुए हैं उन कामों को पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट का काम है उसे पूरा किया जाएगा, तो वही छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो काम है वो बेहतर किए सरकार ने, तो वही हमारे साथ विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ सरकार को 3 साल जो है गुजर चुकी है, तो अब कैसे देखते हैं कामों को और आने वाले समय में और क्या विकास के कार्य हो सकते हैं?
आगे विकास के काम जो भी बचे हैं, घोषणा पत्र के जो घोषणाएं बची हैं उसको मुख्यमंत्री ने कहा पूरा करूंगा। और मुख्यमंत्री ने कल विधायक दल की बैठक में ये भी कहा है कि 70 विधायक आप लोग अपने क्षेत्र में काम करिए, चिंता की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। एक एक विधानसभा में जाऊंगा और 70 के 70 को जिता के लाने की जवाबदारी मेरी है और मैं जिता के लाऊंगा। और जैसे कि रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया था, काफी लोगों ने दौड़ लगाई है, इस दौड़ के माध्यम से क्या संदेश? दौड़ के माध्यम से संदेश है कि छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है और ये दौड़ दिल्ली तक दौड़नी है, जानी है, तो ये छत्तीसगढ़ की दौड़ दिल्ली तक अवश्य जाएगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप विधायक हैं, विधायक प्रतिनिधि के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल जी से मुख्यमंत्री जो देश में प्रथम आए, और हमारा सौभाग्य है कि हमको उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। और हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहे और हम लोग उनके साथ टीम के रूप में काम करते रहे और प्रदेश को विकास की तरफ बढ़ाते रहे। जैसा कि ये थे विधायक कुलदीप जुनेजा, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो उनका प्रतिनिधित्व चाहते हैं आने वाले समय में भी, और यही चाहते हैं कि वो आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर ही बनी रही। जी सुप्रिया, देखिए दौड़ को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, तो एक जो श्रेणियां हैं उनके लिए क्या अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, दौड़ को श्रेणियों में बांटा गया था, और देखिए रन फॉर सीजी प्राइड, आपको मैं यहाँ का जो शर्ट है वो भी दिखाना चाहूंगी कि रन फॉर सीजी प्राइड, आप देख सकते हैं कि ये 3 साल बाद है स्वाभिमान के और छत्तीसगढ़िया अभिमान के करके लिखा हुआ है, और ये जो व्हाइट शर्ट वाले हैं वो पहले दौड़ लगा रहे थे, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उसके बाद वो लोग दौड़ लगा रहे थे। तो यहाँ पर विभिन्न तरीके की जो वर्ग हैं उस पर भी निर्धारित किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर विभिन्न वर्गों में जो इस रन फॉर सीजी प्राइड है, इस दौड़ को जो है निर्धारित किया जा सके। तो ये व्हाइट शर्ट पहने वो लोग पहले दौड़ लगाए उन्होंने, और उसके बाद जो बाकी लोग थे उन्होंने उनके पीछे पीछे दौड़ लगाई है। देखिए सुप्रिया, महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सबने इस दौड़ में हिस्सा लिया है। एक तरह से लोगों का उत्साह दिखाई देता है कि सर्दी का मौसम है लेकिन फिर भी सबने इस रन फॉर सीजी प्राइड में एक तरह से हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल, उत्साह लेना भी स्वाभाविक है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भले ही ठंड ने दस्तक दी हो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर आकर उन्होंने शिरकत की और उन्होंने यहां के आम जनता में जोश भरा है, तो इस वजह से यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। और अभी भी हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, काफ़ी लोग अभी भी मौजूद हैं, महिलाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाओं से भी हम चर्चा करेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, रन फॉर सीजी प्राइड में आप शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप महिला भी हैं और सुबह से आप यहाँ पर पहुंची। बस जिस तरह से छत्तीसगढ़ आज विकास कर रहा है, और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है, देश का हर स्टेट जो है वो इसी तरह विकास करे। आज हमारे भूपेश भैया ने जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता है, तो मैं चाहूंगी कि हर मुख्यमंत्री जो है इसी तरह विश्वास जीते और हमारे देश को आगे बढ़ाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगी कि जैसा हमारे भूपेश भैया ने करा है, आज के डेट में किसानों से लेके, चाहे खाद को लेके, गोबर को जिस तरह यूज़ किया है और विकास ही हुआ है, तो आगे भी ऐसा ही हो। तो जैसा कि पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी इस जो दौड़ में उत्साह देखने को मिल रहा है, ना रन फॉर सीजी प्राइड, यानी कि वाकई में ये रन फॉर सीजी प्राइड ही है जिसका गर्व पुरुष ही नहीं बल्कि तमाम वर्ग के लोग, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आपके आसपास बच्चे मौजूद हैं, जरा उनसे बात करके बताइए कि इस दौड़ में हिस्सा लेकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी देखिए, रन फॉर सीजी प्राइड के तहत जो है आज हम रायपुर के भगत सिंह चौक में मौजूद हैं, जहां पर बच्चे यहां पर अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितनी भी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहां पर तमाम जो पुरुष हैं वो ही सामने दिख रहे हैं और कुछ महिलाएं ही नज़र आ रही हैं। वहीं बच्चे की बात करें तो बच्चे अब स्कूल के लिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि उनके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया था, इस वजह से बच्चे अभी नज़र नहीं आ रहे। तो सुप्रिया, क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये दौड़ जो है कब तक चलेगी? जी देखिए, रन फॉर सीजी प्राइड के साथ जो दौड़ चल रही थी वो दौड़ अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर से अब लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर के था कि छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी रन फॉर सीजी प्राइड, यानी कि छत्तीसगढ़ वासियों को भी छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के एक गर्व होना चाहिए, तो उसी के तहत ये जो छत्तीसगढ़ में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया था।
देखिए सुप्रिया, आपके पीछे मैं देख रही हूँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों से बात हो जाए कि उन्होंने रन फॉर सीजी प्राइड में हिस्सा लिया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ है? जी बिल्कुल, हम कुछ वरिष्ठ नागरिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपने रन फॉर सीजी प्राइड के तहत दौड़ लगाई है, क्या कहना चाहें? जी, ये बहुत अच्छा लगा। आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी रन दौड़ में भाग लिए और सबसे पहले उनके मार्गदर्शन में जो बच्चों ने बुजुर्गों ने जो आगे इतना हिस्सा लिए, ये काबिले तारीफ है। ये छत्तीसगढ़ का बहुत गौरव है कि आज हमने रन दौड़ में भाग लिया। छत्तीसगढ़ सरकार को, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो उस हिसाब से आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं। मैं इसी छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से एल्डरमैन भी बना हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इस शासन में हूँ। और जब से मैं इसमें हूँ और ये जो शासन ने काम किए हैं, ये किसानों के लिए, पब्लिक के लिए और किसानों के ऋण माफ़ी के लिए बहुत अच्छा काम 3 साल में उपलब्धि के लिए हैं। एक इंटरनेशनल बस स्टॉप बनाए हैं जो आज पब्लिक के लिए सुविधा का एक मार्गदर्शन बनाए। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहूँ। आज पूरा छत्तीसगढ़ सीएम साहब के साथ दौड़ा और आज बात 3 साल होने पर छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में बात हो रही है। लोग पहले गुजरात मॉडल सुनते थे लेकिन क्या है जानते नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल हमने देखा है। गोबर खरीदी करके भूपेश बघेल जी ने ये दिखा दिया कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल है और आज देखिए पूरा छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल के कामों को और 2 साल में आप कैसा विकास चाहते हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, अब विकास इतना कर चुके हैं, इतना हो चुका है, आप विकास पूरे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। सबसे पहला जो फ्री होल्ड करके जो रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती थी, सीएम साहब ने उसको फ्री होल्ड किया, उससे रजिस्ट्रियां होना चालू हो गई और आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है और बिजली बिल हाफ हुआ है। और विकास मॉडल जो गोबर खरीदी और जैसे पशु रोडों में आज घूमते नजर नहीं आते हैं, ये सब अनेक काम सीएम साहब ने किए हैं, उसके लिए आज छत्तीसगढ़ पूरा दौड़ रहा है। जैसा कि अनेक काम मुख्यमंत्री ने किए हैं ऐसा इनका कहना है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैम, आपने सीजी प्राइड के तहत दौड़ लगाई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो हम माननीय भूपेश बघेल को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बड़ी खुशी के बात है कि आज 3 साल पूरा होगी समर भूपेश बघेल के और हमारे सरकार में अतका काम हुई से शुरू से हमर भूपेश बघेल जी है बहुत ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर दौड़ी सेवे और आज भी वही पर्पस में आज दौड़ लगाते कि हमारे छत्तीसगढ़ नंबर 1 में आवे करके और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा ऐसा महिला मन पर बड़े बड़े योजना मन लाए है। जैसे कि आप मन देखा तो हमारे महिला मन ला आज अपन मन उनकर मन के हक मिला थे, चाहे वो गोबर खरीदी के माध्यम से हो, चाहे उनकर मन के वन उपज के माध्यम से हो, कई ऐसे हमर मन के महिला मन ला आर्थिक सहयोग मिले बर, आर्थिक स्थिति उनकर मन के मजबूत करे बर हमर भूपेश बघेल जी है बहुत बड़े बड़े काम करा थे, बहुत अच्छा योजना मन ला लावा थे, दाई दीदी क्लिनिक मन ला खोला थे, ऐसे कई बड़े बड़े काम करा थे, एक बार हम बहुत बहुत वाला धन्यवाद देथन और आज जैसे दौड़ा थे ओकर पीछे सबो जनता है घलो दौड़ा थे, धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा काफ़ी बेहतर काम किए गए हैं, जैसे कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी हुई, गोबर की बिक्री हुई, तो तमाम तरह की जो महिलाओं संबंधित काम है वो भी 3 साल के कामों में जो है बढ़ावा मिला है। वही हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ मैडम कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद में भूपेश बघेल ने बहुत सारे काम किए हैं जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ही करते हुए नजर आ रहे हैं, हमने जितने लोगों से बात की तमाम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद किया है, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें। हमने हर वर्ग के लोगों से बात कर जाना कि सभी लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इन 3 साल के कामों से काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाइयां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सुप्रिया, मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि पीछे से महिलाएं आ रही हैं, जरा उनसे बात करके बताइएगा क्योंकि
ये बहुत जो बच्चे हैं, देखिए पीछे आपके बच्चे हैं, जरा उनसे बात करिए, वो अभी गुजरे हैं आपके पीछे से। जी बिल्कुल, हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन देखिए बच्चे आगे निकल गए हैं, तो वहीं हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं। स्कूली बच्चों से हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो देखिए आप कैसे बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बच्चे दौड़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, दौड़ लगा रहे हैं सीजी प्राइड? बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसे कैसे देखते हैं, और अभी आप लोगों ने दौड़ लगाई है, छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। जी जी, देखिए सुप्रिया, हमने देखा कि कैसे लोगों ने रन फॉर सीजी प्राइड में हिस्सा लिया, लोग उत्साहित दिखे, सर्दी का मौसम था लेकिन फिर भी लोगों में एक तरह से उत्साह दिखाई दिया और इस कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत की। खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, हमें तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।